मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमने शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने एक हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव। इस हेल्थ कार्ड में आप देख रहे हैं हमारे पास छह महीने का प्रोविजन है, यानी ये उन लोगों के लिए हम हेल्थ कार्ड शुरू कर रहे हैं जो कि मीट या पोल्ट्री का काम करते हैं, यानी चिकन और मीट का काम करते हैं, बार्बर हैं, रेड़ी फड़ी लगाते हैं, सब्जी या आपका फ्रूट बेचते हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, 65 साल 60 साल के ऊपर के हैं, जो लोग बीमार हैं, जो नाकों पे पुलिस वाले लगे हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनका जो ड्राइविंग करते हैं, यानी मिनी बस मेटाडोर टेम्पो ये चलाने वाले लोग हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, म्यूनिसिपलिटी के लोग हैं, यानी वो लोग जिनका पब्लिक इंटरफेस बहुत ज्यादा है, यानी कि पब्लिक के साथ उनका रोजमर्रा का मिलना है। तो इस कार्ड में आप ये कर सकते हैं कि हर महीने आप अपना टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद यहाँ पर जो है हलवाई बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा। आप इस कार्ड को अपना डॉक्यूमेंट बना के रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई शादी है, आप उससे पूछ सकते हैं हलवाई से कि अपना हेल्थ कार्ड बताओ, क्यों आप बीमार इंसान को अपने यहाँ मिठाइयां बनाने के लिए या शादी में कोई खाना बनाने के लिए लगाएंगे। हेल्थ कार्ड पूछ लीजिए, इस हेल्थ कार्ड में साइन होगा बाकायदा और आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। इसी तरीके से आप किसी सब्जी वाले को, मैं बोलूंगी कि सब्जी वाले वगैरह सब अपना हेल्थ कार्ड अपनी रेडी पे रखें ताकि आपको पता चल जाए इस बंदे का कोविड नेगेटिव टेस्ट हो चुका है, ये नेगेटिव है, और ये हर महीने कराएंगे तो और भी आसान है। इसी तरीके से एक और कैटेगरी है, हो सकता है मेरे और आपके हम लोगों का भी मन करे, आम इंसान का मन करे कि मैं अपनी तबीयत को मॉनिटर करूं, तो आप भी ये कार्ड जो है बीएमओ से ले सकते हैं। ये टेस्टिंग फ्री है, ये कार्ड हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेस्टिंग फ्री हो रही है, तो आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को, अपनी तबीयत को, अपने लोगों को बचाएं। ये हो गया कोविड की बात। कोविड के बाद अब कुछ जरूरी चीजें ऐसी हैं जो कि जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की हैं, जिसमें डोमोसाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। डोमोसाइल एक ऐसा कागज है जो हर एक इंसान को बनाना है, जो कि हमारे रियासी में जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, और इसके अलावा बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपने डोमोसाइल बनाना है। अगर आप उस कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं तो आपने ये करना है कि एक हमारी वेबसाइट है jkgov.in/jkservices/home, मैं रिपीट कर रही हूँ, www.jk.gov.in/jkservices/home। ये एक वेबसाइट है जिसमें कि आप ऑनलाइन भी अपना डोमोसाइल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। दूसरा ऑफलाइन मोड भी है, ऑफलाइन में आप तहसीलदार के साथ अपना एप्लीकेशन करके अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोमोसाइल जो है आज की तारीख में हर एक स्कीम में आपको आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए डोमोसाइल बनवाना बहुत जरूरी है। हमारे ऑनरेबल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के एक पखवाड़ा शुरू करने का उन्होंने आह्वान किया है पब्लिक को KCC कार्ड्स बनाने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, पंचों सरपंचों से, BDC चेयरपर्सन से, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन से, जो भी इंसान चाहता है कि उसका KCC कार्ड बने वो एलिजिबल होना चाहिए। और हमारे पास फिलहाल के लिए 33,000 फार्मर्स हमारे ऐसे हैं जो कि इसमें एलिजिबल है। आप KCC कार्ड जिनको नहीं इश्यू हुआ है, बैंक्स में जाइए, बैंक्स में अपना अपना जो है साइन करिए और कार्ड जो है वो इश्यू करवाइए। बैंक्स ने बहुत सारे कार्ड बना के रखे हैं, तो आपने सिर्फ अपने कंसर्न जो AEA है या SDAO है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, आपने सिर्फ उसको एक फोन करना है, वो आपको बता देगा कौन से बैंक में आपका KCC का कार्ड पड़ा है। KCC कार्ड्स का 21 जुलाई हमारी आखिरी तारीख है। मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, सभी पंचायतों से है, सभी गांवों से है, लंबरदार चौकीदार से है कि वो अपना अपना KCC कार्ड्स बनवाएं। और हमारी कोशिश है कि 21 जुलाई से पहले, 5 दिन पहले, 15 जुलाई को ही हम अपना 100% टारगेट अचीव कर लें, जैसा रियासी हमेशा से करता रहा है। तो मेरी सभी सुनने वाले देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज ऐसी है जो कि मेरे तक पहुंचनी है, आपको पता है मेरे तक पहुंचना बहुत आसान है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा ट्विटर पेज फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं,
वेबसाइट में हम लोग सारी जानकारियां डाल रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दोबारा से लास्ट में बोलना चाहूंगी कि कोविड ने आपको रियायत नहीं बख्शी, आपको सिर्फ रियायत सरकार ने दी है ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने दिहाड़ी जो है वो लगा सकें। इसलिए अपने आप को बचाएं, आप अपने आप को बचाएंगे तो सारी दुनिया को आप बचाने के लिए एक पार्ट प्ले करेंगे। थैंक यू।